आपके प्रश्न का उत्तर नहीं लाइव स्टार्ट हो गया पहला उत्तर है सीमांचल बिहार कोसी प्रदेश देश में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी मेरा संघर्ष जनता की भावना के साथ राहुल गांधी मेरा संघर्ष संकल्प है जनता अपने कांग्रेस और सीमांचल में कांग्रेस की जनता तीसरा है हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा इसीलिए कांग्रेस की झंडा से ना मुझे कोई अलग कर सकता ना मैं अलग होऊंगा। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था मर जाऊंगा कांग्रेस से अलग नहीं होगा दुनिया छोड़ दूंगा पूर्णिया से अलग नहीं होगा फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम देश सामने में है पार्टी पीछे है देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन की अलायंस को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी है फिर भी देश में एनडीए इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का नेतृत्व का है मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर
कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जाता है। पप्पू यादव फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे क्या तारीख को नॉमिनेशन सर लालू यादव के कारण नहीं मिल पाया क्या? सर 4 तारीख को नॉमिनेशन होगा।